जमाने में सीढ़ियाँ होती थी, बस छोटे छोटे ये हिस्से ही जो है वो दीवारों पर बाकी रह गए। ये कहा जाता है कि एक बार ईरान से एक सूफी दिल्ली आए। वो दिल्ली आने से पहले जो है वो बाबा फरीद से मिला, और बाबा फरीद से जब उसकी मुलाकात हुई तो बाबा फरीद ने कहा कि तुम दिल्ली जा रहे हो पर किसी भी तरह की सियासत में अपने आप को मत उलझाना। तो वो दिल्ली आए, वो जो सूफी बुजुर्ग थे, और जब वो दिल्ली आए तो इनका नाम है सिद्दी मौला। अब जब ये यहाँ आए तो इन्होंने लंगर खाना एक खोला, जो तसव्वुफ है सूफीज़म जिसे आप कहते हैं, उसके बहुत सारे सुतून हैं, पिलर्स हैं, पर एक ख़ास जो उसका एक बुनियाद है वो ये है खिदमत, खल्क की मतलब आवाम की खिदमत। आप किसी भी तरीके से करें, चाहे आप उन्हें बेचैन जो हैं उन्हें आप सुकून देकर करें, चाहे आप खाना खिलाकर करें, तो आप देखेंगे कि जितने भी सूफी रहे हैं दुनिया में वो खुद नहीं खाते थे पर उनके यहाँ लंगर खाने जो हैं वो खूब चलते थे। तो जब ये सिद्दी मौला जो थे उन्होंने यहाँ पर लंगर खाना खोला तो ज़ियाउद्दीन बरनी जो उनके ज़माने में थे तो वो बताते हैं कि उनका लंगर खाना ऐसा था कि हज़ारों लोग खाना खाने के लिए आते थे, और जिस तरीके से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खुसरो के नाना के यहाँ रह रहे थे, और हज़रत अमीर खुसरो के जो मामा थे उन्होंने उन्हें निकाल दिया था, तो एक छप्पड़ वाली मस्जिद होती थी उसके नीचे उन्होंने 3 दिन गुजारे थे फाके में बिना खाए हुए। तो किसी ने जो है उनको खिचड़ी लाकर दे दी थी, तो खिचड़ी खाने पर उनको इतना ज़्यादा उनको स्वाद आया कि उनके लंगर खाने में खिचड़ी ही मिलती थी। तो ये जो सूफी थे सिद्दी मौला, इन्होंने अपने लंगर खाने में जो है दलिये को तो रखा ही रखा, इन्होंने वो हर खाना रखा जो किसी भी सुल्तान के दस्तरखान पर होता है। अब इनकी जो कमाई का जो जरिया है, किसी को पता ही नहीं था कि पैसा इनके पास आता कहाँ से, तो जब भी इनके पास फरियादी आते थे तो ये कहते थे कि वो पत्थर उठा लो इशारे से, तो पत्थर उठाते थे तो वहाँ तके मिल जाते थे, और अशर्फियाँ चांदी की या सोने की, उसके बोलते थे उस पेड़ की जड़ खोद लो या उस मेहराब के नीचे देख लो जाके। अब ये ज़ियाउद्दीन बरनी ये कह रहे उस जमाने के जो इतिहासकार ये वाली। अब जब ये वाली खबर जो है सुल्तान आली तक पहुंची, बड़े मतलब ताज्जुब में थे कि इतने लोग कैसे आते हैं खाना खाने के लिए और इतना पैसा आता कहाँ से, क्योंकि शहजादे भी उसी लंगर खाने में खाना खाते थे। तो हुआ ये कि ईरान से एक शख्स जो है वो दिल्ली आए। अब इसका आने का जो मकसद है वो किसी को पता नहीं था कि दिल्ली आया था। उसने आकर सिद्दी मौला से दोस्ती करनी शुरू की, और जब इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ गईं तो ये चाहता था कि सुल्तान आली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को तख्त से हटाकर सिद्दी मौला को खलीफा बना दिया जाए। अब जब ये बात सुल्तान आली के कानों में पड़ी तो कई लोगों को जो है इस साजिश में जो है उन्होंने शामिल कर लिया। तो ये जो शख्स है, ये जब इसको पता चला कि सुल्तान आली को पता चल गया है तो ये भाग गया। सुल्तान आली ने दरबार में, जहाँ भी वो दरबार लगाते थे यहाँ पर, सिद्दी मौला को बुलाया, और क्योंकि वो फ़कीर हैं तो उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो है जलालुद्दीन खिलजी जो हैं उनको कोई सुल्तान के तौर पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक मामूली इंसान के तौर पर ही उन्हें जवाब देने शुरू किए। और जब ये जो बहस है काफ़ी गर्म हो गई तो जलालुद्दीन खिलजी जो हैं उन्होंने हुक्म दिया कि सिद्दी मौला से मेरा बदला लो,
इतने में जो है एक सिपाही उसने अपनी कटार निकाली और सिद्धि मौला पर वार कर दिया। अब हो सकता है कि जो सुल्तान आली हैं उनको इस बात पर भी रहम आ जाता, वो छोड़ देते। सिद्धि मौला जमीन पर थे, उनके बदन से खून निकल रहा था। पर जलालुद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था अरकाली खान। मैं जब इस जगह आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कैसे कैसे नाम इस जगह से जो है होकर गुजरे हैं और सदियां बीत गई हैं, वो नाम फिर कभी वो किसी की जबान पर आए नहीं। अरकाली खान जो है वो अपने भाई से बड़े जलते थे, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के जो बड़े बेटे थे उनकी सिद्धि मौला से बड़ी नज़दीकी हुआ करती थी और वो ही आने वाले वक्त के सुल्तान थे। खैर, उनका इंतकाल हो गया था, पर अरकाली खान के दिल से सिद्धि मौला के लिए जो कड़वाहट थी वो ख़त्म नहीं थी। तो उन्होंने फौरन जो है अरकाली खान ने महावत को इशारा किया और महावत जो है वो हाथी लेकर जो है वो अपना सिद्धि मौला के ऊपर चढ़ गया। बुजुर्ग ये बताते हैं दिल्ली के कि उनके मौत के फौरन बाद दिल्ली का आसमान है उसमें काली घटाएं उमड़ आई और हर जगह सिर्फ स्याह स्याह और स्याह ही नजर आता था, और एक ऐसा अकाल शहर दिल्ली ने देखा कि लोग लाइनों में लगते थे, जब अनाज बटता था तो अनाज लुट जाता था, लड़ाइयाँ हो जाती। तो दिल्ली को इस हादसे से उभरने में काफ़ी वक्त लग गया, और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि ये जो शेख है सिद्धि मौला उन्हीं की कोई बद्दुआ थी जिसकी बदौलत अली या गुरशास, जिसे आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी अपने चचा का वध किया और सुल्तान हो गए। अभी आदित्य भाई मुझे कह रहे थे कि कुछ खानों का भी जिक्र करो, कुछ बताओ, तो खाने के बारे में आप क्या सुनना चाहेंगे उस जमाने में? अच्छा, उस जमाने में क्या खाते थे? यानी आइडिया कुछ भी? अरे खाना ही खाते थे कोई बाद में। उस जमाने में ऐसे मुगल खानों की तरह तो नहीं था बहुत सारा, मतलब खाना ऐसा तो नहीं होता था इतना लेवल, पर तुगलक जमाने का है खाना जो आज भी एक जगह मिलता है, पर ये दिल्ली में नहीं मिलता ये वाला खाना। इसे बोलते हैं कलिया, नान कलिया, कलिया। ये आप लोगों को मिलेगा दो जगह अलग अलग तरीके से बनता, एक तो खुल्दाबाद में थोड़ा सा अलग पकता है और औरंगाबाद में थोड़ा सा अलग किस्म का पकता है, पर नाम एक ही दोनों का। मैंने हाल ही में देखा तो उसमें थोड़ी ग्रेवी भी आ गई है, पहले इतनी ग्रेवी वाला खाना नहीं होता था। ये होता ये था कि जब इस शहर से जब दौलताबाद लोग जा रहे थे या उससे पहले भी रहा हो, होता ये था कि कोई एक ऐसा खाना उसकी इजाद की गई, जिस क्योंकि अक्सर तो लोग रास्ते में मुसाफिर होते थे वो पकाते थे ना खाना, कोई ऐसा खाना कि जिसकी आग की लपटें ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप दूर से पहचान लेते थे ना कि वहाँ आग जल रही थी। तो जो बहुत सिर्फ कोयले पर पके, बहुत धीमी आंच पर जो खाना पके जिसमें धुआं भी कम निकले, वो खाना इजाद किया गया, जो आज भी आपको औरंगाबाद और खुल्दाबाद में मिलता है। बाकी अगर सुल्तान अल्तमश और सुल्तान रज़िया के ज़माने को का अगर जिक्र किया जाए तो तरीके होते थे महफिलों में जाने के, ये तरीका आखिरी मुग़ल बादशाह तक मुझे नज़र आता है कि सुल्तान आली या बादशाह सलामत के नाम पे जो है वो जाम पिए जाते थे और महफिलें जो हैं वो लगाई जाती थीं, और अगर किसी महफिल में सुल्तान आली खुद मौजूद हैं तो जब सुल्तान आली आते थे तो सब खड़े हो जाते थे, दस्तरखान लगाया जाता था, नीचे एक छोटी टेबल होती थी लंबी थी, उसके ऊपर चमड़ा यह बिछाया जाता था, फिर उसके ऊपर दस्तरखान बिछाया जाता था और हर तरह का खाना मौजूद होता था जिसमें चावल नमकीन पकाए जाते थे और जंगली परिंदों को भून कर जो है उसमें सजा दिया जाता था। उससे पहले, खाना खाने से पहले बादाम का शरबत खासा मशहूर था जो पिलाया जाता था, और खाना खाने के बाद जो है
आपको हुक्का पेश किया जाता था और बीड़ा, जो पान का बीड़ा है वो दिया जाता था। अगर किसी को सुल्तान आली ने, किसी खास शख्स को पान का बीड़ा अगर उठा कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत इज्जत अफजाई वाली बात जो है वो समझी जाती थी। अब जैसे जो खाने का भी जो भारतीयकरण हुआ है, अगर आप देखें वो लोग जो अपने साथ खाना लेकर आए, जो यहाँ का जो खाना था वो आपस में इतना ज़्यादा रच बस गया है कि आप उसमें डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन सा खाना कहाँ का। जैसे आपका हो गया, हमारे यहाँ जैसे पूरियाँ होती थी और तो उनके यहाँ पर नान होता था। जो तंदूर जो इंट्रोड्यूस किया वो इन लोगों ने किया। तो जो जब जहाँ जहाँ से ये लोग निकलते थे, गुजरते थे, वहाँ वहाँ ये लोग तंदूर गाड़ते हुए जाते थे। और ये कहा जाता है कि जब तंदूर से पूरियाँ मिली तो वो पराठे में तब्दील हो। तो ये लोग यहाँ के खाने से भी बड़े मुतासर थे। यहाँ के खाने में भी जो है इन्होंने मसालों का थोड़ा सा हेर फेर किया और इनको अपने तरीके से जो है वो बना दिया। ख़ास तौर पर अगर फलों का जिक्र किया जाए तो जिसमें तरबूज है, ये लोग अपने साथ लेकर आए। तो तरबूज यहाँ नहीं होता था, बहुत बाद में, आज भी जिसे मतीरा कहा जाता है, जैसलमेर के इलाकों में बनता है, हर जगह आपको तरबूज जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह के जो पानी वाले जो बहुत सारे फल हैं, चाहे वो अनार ही क्यों नहीं हो गया, ये लोग अपने साथ लेकर आए। अगर फलों का जिक्र आता है तो उसमें अंगूर कहीं पीछे नहीं छूटता। और अंगूरों को लेके मेरे पास एक वाक्य है। ये कहा जाता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें आप गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, जो अजमेर शरीफ में है, जब वो उन्होंने दुनिया तर्क नहीं की थी तो वो अंगूरों का बाग लगाया करते थे। उनका अपना अंगूर का बाग हुआ करता था। और एक दरवेश जो है उनके बाग से होकर गुजरे, तो उन्होंने जो है उनको, उनकी बड़ी आवभगत की, उनको जो है अपने बाग के बड़े मीठे अंगूर उनको पेश किए। और ये कहा जाता है कि जो दरवेश थे उन्होंने अपना छूटा खाकर जो है वो वापस ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उनको खिला दी। तो ये दरवेशों की ये परंपरा है कि अपना छूटा खाकर जो है वो सामने वाले को, जिससे वो खुश होते थे, उसको खिला देते थे, उसे रहमत का निवाला जो है या रहमत का जो लुक्मा है वो कहा जाता है। कहीं बैठे तो सुल्तान रजिया का जिक्र हो जाए। कहाँ बैठे? वहाँ पेड़ के पास।